Hello viewers, this is Sushmita Singh. I am teaching the topic different phenomena of universe that we can see from Earth, that is solar eclipse and lunar eclipse. I use an activity. I made some paper mukut with the tag of sun, moon and earth. I draw elliptical bay on the floor. Now I suggest a student to show solar eclipse and lunar eclipse thereon by playway method, and you can see in video how they enjoy and learn this topic easily. सन के बीच में अर्थ आ जाए जी, बस यही स्थिति जब आती है तो ये चंद्र ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण, जिसको हम पृथ्वी से देख पाते हैं कि ये चंद्र ग्रहण है जी। उस समय हमको चंद्रमा कैसा नजर आता है? काला छिप जाता है कुछ समय के लिए, इसका समय अंतराल निश्चित रहता है कि इतनी पूर्णिमा के लिए। ये जो स्थिति है ये आती है पूर्णिमा के लिए। ठीक जी, अब आपको क्लियर हो गया है कि चंद्र ग्रहण क्या है? जी। कोई भी तीन बच्चा बारी बारी से आएगा और ये स्थिति को बताएगा। अब पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमेगी? चांद। चलिए स्टॉप, पीछे 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 स्टॉप। ये स्थिति क्या हो जाएगी? करेक्ट। कोई और तीन बच्चा आइए। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा। एक्टिविटी करवा रहे हैं। हाँ बस ये स्थिति भी, ये स्थिति इधर आ जाओ चंद्रमा, यहाँ में रहो, बीच में रहो पृथ्वी, आप यहाँ रहिए, आप यहाँ रहिए, तीनों जब एक स्थिति में आती है उस पर ही छाया कहाँ पड़ेगा? चंद्रमा पर। जी। चंद्रमा पर पड़ेगा और वही छाया जो हमको दिखता है वो ग्रहण के रूप में हम देखते हैं। जी। आप देखते हैं जी, ग्रहण लगता है तो कैसे लगता है? पहले थोड़ा चंद्रमा ढका, फिर पूरा चंद्रमा ढक गया तो बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण लग गया। जी। और पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने के बाद वो धीरे धीरे हटता जाता है। हटता जाता है मतलब कि आप पृथ्वी जो रेगुलेशन करती है घूमती जाती है तो धीरे 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 ऐसे हटती जाती है, फिर चंद्रमा पूरा दिखने लगता है तो बोलते हैं ग्रहण समाप्त हो चुका है। समझ गए जी? तो बताने वाला